नमस्कार। सोशल मीडिया पे एक बात की बहस चारों तरफ है। चारों तरफ बहस है अनुराग और उनके फैंस वर्सेस मुनावर और मुनावर की जनता का। जी हाँ, मुनावर इज द बॉस या फिर अनुराग इज द बॉस। अनुराग बैक टू बैक कंपटीशन जीत रहा है, मुनावर बैक टू बैक कंपटीशन हार रहा है। इस बात की क्या वजह है, इस बात की असल जड़ क्या है और फाइनली ट्विटर पे किस तरीके का हंगामा मचा है, इस वीडियो में राहुल भोज आपको बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मैंने एक छोटी सी पहल शुरू करी है, ट्विटर पे फेसबुक पे ही फेसबुक के जो लिंक्स हैं मैंने शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आप जाइए, वो जो नई चीज शुरू करी है एक बार जाके देखिए, यू विल डेफिनेटली लव इट, आपको बहुत मजा आएगा। उसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों, एक चीज मुनव्वर के लिए बार बार कहना चाहूंगा कि मुनव्वर की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मुनव्वर जो है बार बार बॉस ऑफ द वीक जो है, मुनव्वर इज द बॉस, मुनव्वर इज द किंग, वो हमेशा हार रहा है। अब ट्विटर बिंदर ने, जो सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलर साइट है जो कि सर्वे कराते रहते हैं, उन्होंने कुछ बातों की जानकारी रखी है। अनुराग और मुनव्वर के बीच की इस वॉर को सबके सामने रखा है। अब ये जो उनका डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो कृपया करके दोनों फैंडम ध्यान से बातें सुने। दरअसल हैशटैग पिछले कई दिनों से दो चल रहे हैं बहुत ज्यादा, मुनव्वर इज द बॉस और हैशटैग अनुराग इज द बॉस। अनुराग इज द बॉस ने टोटल जो कमेंट्स और जो ट्वीट हुए हैं उनके हैशटैग को लेकर वो 376,000 प्लस हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, यही बवाल है। और ये अनुराग के फैन फॉलोवर्स हैं जो कि वो ब्रो सेना है ना, वो है। वही मुनव्वर की जनता है और मुनव्वर की जनता ने हैशटैग मुनव्वर इज द बॉस को लेकर 573,000 प्लस जो हैं ट्वीट किए हैं। सो ऑटोमेटिकली ट्विटर पे जो मैक्सिमम आया है पोल, वो मुनव्वर की जनता का आया है। तो अगर उस बेसिस पे इसको जज किया जाए तो बॉस मिंटर में कैसे मुनव्वर बैक टू बैक पीछे रहा है, समझ में नहीं आता दोस्तों। ये कुछ ये मैं देखो डेटा आया तो मैंने कहा इस पे वीडियो बना के आप लोगों को ये बात बताऊं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। अब यहां पर अनुराग, क्या अनुराग को मेकर्स उठा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर मेकर्स अनुराग को उठा रहे होते तो एक चीज क्लियर थी, वो अनुराग की इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करते। इतनी सारी चीजें जो उसको गलियाते हैं वो नहीं करते, और प्लस वो मुनव्वर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुनव्वर के लिए ऐसे वो नहीं कर सकते। तो कुछ तो झोल है। मुझे ये ट्विटर बिंदर का ये जो पोल है, मुझे इस पे भी डाउट हो रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर इसमें देखो एक मेकर्स ही कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं और वो बॉस मीटर में अनुराग को आगे दिखा सकते हैं। लेकिन जब अनुराग को वो यहां पे आगे दिखा रहे हैं तो भाई मेन शो में इतनी ज्यादा उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? सवाल तो जेन्युइन है ना। और सेम मुनव्वर का है, मुनव्वर को शो में इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो भाई टेक्निकली देखा जाए सोशल मीडिया पे भी उसको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आपको क्या है कहना, आप किस तरफ है, मुनव्वर इज द बॉस की तरफ है या फिर अनुराग इज द बॉस की तरफ है? कॉमेंट सेक्शन आपका है, कॉमेंट जरूर कीजिए और बने रहे चैनल के साथ। देखते रहे आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना और फेसबुक पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। एक बार जाइए, एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए उसे। बाय।